नहीं यार, नहीं मानी यार, तुझे बताया तो था यार, यार मुझे पहले ही लग रहा था यार, उसकी बातों से ही लग रहा था कि उसका मतलब के है ऐसे सीन, मतलब कि उसका नहीं बन रहा मेरे साथ ना सिस्टम यार। अब देख बात मतलब कि यहाँ तक है कि मतलब उसके मैंने फादर से बात कर ली है, पेरेंट्स तक मैंने बात कर ली है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यार बीच में मतलब पेरेंट्स भी उसके साथ मिले हुए हैं, मतलब वो भी नहीं चाहते कि उसका मेरे साथ मतलब कि शादी वगैरह हो। हाँ हाँ चल ठीक है यार, अभी मैं फिर बाहर हूँ तो मैं फिर बाद में बात करता हूँ, वैसे ही यार बड़ा मूड अपसेट हुआ होगा। हाँ मैं शाम को लगाता हूँ तेरे पास चक्कर। चल चल ठीक है, ओके ओके बाय। यार ये जुदाई का काम मार देगा मुझे आज, तुम्हारी याद में अब मैं क्या कर सकता हूँ, शायरी लिख सकता हूँ तुम बेवफा लड़की के लिए, मैंने शायरी लिखी भी है, वो मैं शायद मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुँच जाए किसी तरह, शायद मेरी आवाज़ पहुँच जाए, सुनाता हूँ तुम्हें। देखो होने नहीं दिया तेरी बेवफाई का चर्चा, देखो होने नहीं दिया तेरी बेवफाई का चर्चा, जहाँ भर में हो रहा है मेरी रसवाई का चर्चा। ओए होए वाह 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 वाह, यहाँ पे तो वाह वाह करने वाला भी कोई नहीं है मेरी शायरी पे। आज फिर उठा के लाया हूँ दिल के तमाम जख्म, सुना है शहर में तेरी मसीहाई का चर्चा। वाह 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 वाह, मस्जिद से गूंज रहा है मेरी मौत का ऐलान, मस्जिद से गूंज रहा है मेरी मौत का ऐलान, शायद सुना नहीं है तुमने मेरी रिहाई का चर्चा। वाह 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 वाह, ओए होए होए क्या लिख दिया मैंने जी। मैडम देखें ये पोइट्री नहीं है, ये जज्बात है। नहीं मैडम असल में वो मैंने असल में आपको देखा नहीं, वो मैं पीछे से ही आ रहा था, तो मतलब मैं अपने मतलब काम में इतना मसरूफ़ था, मतलब मेरा माइंड यहाँ पे हाजिर नहीं था, तो मैं बैठ गया, मैंने आपको देखा भी नहीं कि आप यहाँ पे हैं। तो मैडम देखें पब्लिक प्लेस है, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पे, अगर मैं बैठ गया हूँ तो लेकिन मैं पहले से अगर मतलब आपको कोई इशू है तो आप चली जाएँ फिर, मतलब मैडम मैं वैसे ही बड़ा अपसेट हूँ, मेरा दिमाग बहुत अपसेट हुआ होगा। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो आपसे पहले की बैठी हुई हूँ, आप चले जाएं। मैडम देखें मैं आपको तंग तो नहीं ना कर रहा, बैठने दें कुछ नहीं होता, मैं बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी अपने गाने की, तो वो मैं कर लूँगा फिर मैं चला जाऊँगा। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, 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 ओ बेदर्दया यार बेदर्दया। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया, ओ बेदर्दया यार बेदर्दया।
मेरा हाथ कल तक तेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके है सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। जिसमें मुझे देखे मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया कुदरत के जो करता है मोहब्बत, वाह रे वाह तेरी कुदरत, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुना किया तो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुना किया तो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अच्छा गा रहा था। थैंक यू सो मच मैडम। तो वो क्या उसे कहते हैं, असल में मैं ना यहाँ पे आया था, तो मतलब ब्रेकअप हो गया था ना मेरा, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है कल ना, तो वो मतलब के आते सारी मतलब मेरा ध्यान नहीं पड़ा, तो मतलब वो मैं शायरी करने लग गया, और ऊपर से गाने भी वो सैड मतलब के कर दिए, तो मतलब आप भी लग रहा मतलब गाने सुन के सैड हो गए। मतलब ऐसे लग रहा है कि आपकी आंखों में जैसे आंसू आने वाले हैं, मतलब अगर कोई बात है तो आप बता सकती हैं, मतलब वो क्या उसे कहते हैं ना, शेयर करने से ज़रा वो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, तो इसलिए पूछ रहा था, तो अगर आप बताना चाहती हैं तो। मेरा भी ब्रेकअप हुआ आज। अच्छा आज ही हुआ आपका भी? हाँ जी। सो सॉरी मैडम, देखो मुझे पता नहीं था, मतलब मैं तो मतलब अपने ध्यान आया था, मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं सैड गाने गा रहा था, मेरा ये नहीं था कि मतलब आपकी फीलिंग्स मतलब के डिस्टर्ब हों मेरी वजह से, मतलब ऊपर से वो गाने भी वैसे सैड गा। कोई बात नहीं, जब जिसके लिए फीलिंग्स थी उसको कदर नहीं थी। हाँ तो ये तो बात है। तो मतलब क्या उसे कहते हैं कि आप वो जो लड़का था वो मतलब के इंटरेस्टेड नहीं था आप में, या फिर को किसी और लड़की के साथ था? किसी और लड़की, किसी और लड़की के लिए फीलिंग्स थी उसके लिए। मतलब ऐसे लोगों का किया भी किया जा सकता है, वही ना। चलें ठीक है मैडम, मैं फिर चलता हूँ। मैडम वैसे वो क्या उसे कहते हैं कि जाते जाते एक बात आपसे करनी थी, मतलब ब्रेकअप तो मेरा हुआ ही था, तो सीन ये था कि मैं ना यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रहा था आपके साथ ना। अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं आपकी फीलिंग्स के साथ भी नहीं खेल रहा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। नहीं मैडम, वो असल में मुझे पता नहीं था ना कि आपका भी ब्रेकअप हुआ है, तो मतलब बेसिकली ना कोई भी हो किसी की भी फीलिंग्स के साथ आप लोग ऐसे खेलेंगे। मैडम देखें, मुझे है इस चीज़ का अंदाज़ा, क्योंकि अब मुझे पता नहीं था कि आप भी सैड हैं,
तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो सामने दरख्त के पीछे कैमरा लगा हुआ है। जाएं तो फौज है। देखें मैडम, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो फिर वैसे यूज़ कर लूँ आपकी वीडियो चैनल के लिए। दफा हो जाएं, कहते रही हूं, कर ले यूज़, यहां पे भी करना। चलो ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच।